हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन लेट्स कनेक्ट विद प्रेरणा. आई एम इनवाइटिंग मैम अगेन टू जॉइन. इज द इशू ऑफ इकोइंग स्टिल देयर? इज इट स्टिल, इज देयर दैट इको इशू अभी भी? Okay. Am I audible? Am yes, I visible ma'am, now? Audible. Yes, yes, ma'am. Okay, right. Yeah. So yes, ma'am. I asked you that, you know, jo hamara aaj ka topic bhi hai, that education is not to teach but to create. Jo maine aapse question pucha. To main ye janna chahti thi, ma'am, that I mean, जो मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ बिकॉज हमारा सेशन डिस्कनेक्ट हो गया था. इट्स ऑफन सेड दैट एजुकेशन इज नॉट टू टीच बट टू क्रिएट, बट नाउ व्हेन एजुकेशन इज कमर्शलाइज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, टैलेंट रिमेन्स डोर्मेंट. हाउ कैन दैट बी एड्रेस्ड? सो फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी दैट इट इज कमर्शलाइज्ड. इवन देन देयर इज अ स्कोप ऑफ स्पेस फॉर द टैलेंट, फॉर द हिडन टैलेंट. इट डिपेंड्स व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द टीचर, what the institution expects from the teacher, what the parents expect from the teacher, what the student expects from the teacher. So so much talent is there, right? आप उनको उनको मौका दीजिए, उनके टैलेंट को लोकेट करिए और फिर उनको 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 इनहांस करने के लिए उनसे डिमांड करिए. Hello. I think they are disconnected again. Hello. Hello, ma'am. Can you hear me? I can hear you, but I'm not able ma'am, to see. There is a, there is a technical glitch. I can see it's, you know, the video is not coming. It, I think it will take some time. It will be fine. So, yeah, ma'am. Okay. So I'm continuing. I'm continuing. Bilkul, ma'am. Yeah. Bilkul. Haan. So, talent hidden hote hain, soye rehte hain wo. उनको मौका देना पड़ता है, उनसे एक्सपेक्ट करना पड़ता है, डिमांड करनी पड़ती है. और एक होलिस्टिक डिमांड, कोई टीचर ये नहीं कि केवल एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है. वो सब्जेक्ट तो उसका स्पेशलाइज क्षेत्र है, पर टीचर केवल उसे लाइफ वैल्यूज के साथ जोड़ना पड़ता है, उसे सब कुछ आना चाहिए. तो आजकल के समय में तो टेक्निकल उसको नॉलेज भी होनी चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज भी होनी चाहिए और लाइफ स्किल्स के साथ उसको आ गया. अगर हम डिमांड करेंगे टीचर से तो दे विल परफॉर्म, वो करेंगे. डिपेंड करता है कि हम क्या उनसे चाहते हैं. राइट मैम, जनरल थिंकिंग इज दैट नाउडेज गुड क्वालिटी एजुकेशन इज फोर्टे ऑफ रिच एंड अफ्लुएंट. हाउ फार दिस इज ट्रू? दिस इज ट्रू इन माय ओपिनियन. दिस इज ट्रू. ओके ओके राइट. इट इज ट्रू. I'm telling you, the quality education, so many policies are there, right? Ji. Government has encouraged a lot, right? Right. But the ground level reality is this, ki, bachche hamare suburbs mein hain, rural areas mein hain, ya jinke mata pita ke paas paisa nahi hai, ya jo underprivileged hain, unko hum वो फैसिलिटीज सारी नहीं दे पाते जो कि एक रिच बच्चों को मिलती है. हम खुद कैटर कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन अपना यहाँ पे, जहाँ जो अपर मिडिल क्लास को कैटर करता है, पर हम साथ ही साथ अंडर प्रिविलेज को भी कैटर कर रहे हैं. और हम उन स्लम एरिया में भी जा रहे हैं तो हमें ये लगता है कि जो वास्तविक स्थिति है वो ये है कि जिनके पास पैसा नहीं है या जिनके पेरेंट्स पढ़े हुए नहीं है, वो फैसिलिटी उन्हें मालूम ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है उनको कि इतनी सारी स्कीम्स, इतनी सारी चीजें चल रही हैं, इतने इतने फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है. तो वो अवेल ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं. और फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के साथ जो जो सोसाइटी की जो जो एक आउटलुक है, वो अगर जब तक वो दया का रहेगा ना कि और इक्वालिटी का नहीं रहेगा, तब तक ये सिचुएशन बनी रहेगी कि एक सेट सेगमेंट जो है, जो जिनके पास सारी फैसिलिटीज हैं, रिसोर्सेज हैं, वही अच्छे अच्छे टीचर्स अच्छे स्कूल में जा पाते हैं, वही अच्छे रिसोर्सेज ले पाते हैं, उन्हीं के पास अवेयरनेस होती है. तो एक्चुअली ये
ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राइट जो सोसाइटी हर लोग हैं ये समझें कि सब इक्वल हैं। राइट टैलेंट जो है वो रिच और पुअर के साथ नहीं होता, लेकिन हाँ राइट सरकमस्टेंसेस के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। अब आप राइट ये देखें जो हमारे बच्चे 80% 90% लेकर और बहुत अच्छे से कट ऑफ पर जाते हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ राइट पुअर चाइल्ड कि वो जी उतने 80% और 90% चीजों को ले पाएगा। तो इवेल्युएशन का तरीका बदलना चाहिए, राइट अपॉर्चुनिटी सब क्वालिटी से देनी चाहिए। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इस दिशा में बहुत काम करना है, और अब बहुत से जी सोसाइटीज के बारे में अवेयर हो रही है क्योंकि कोरोना ने हमें ये सिखा दिया है कि राइट हमें सबको साथ में चलना पड़ेगा। आप किसी भी सेगमेंट को छोड़ के नहीं चल सकते हैं, अवेयरनेस बिल्कुल क्रिएट करनी है तो आपको बिल्कुल पिन पॉइंट एक एक व्यक्ति को अवेयर करना पड़ेगा, और एजुकेशन इज द ओनली वे टू राइट टू क्रिएट द अवेयरनेस फॉर एवरीथिंग, सब ट्रू चीजों। ट्रू मैम, गुड टीचर्स लिमिट लैक ऑफ गुड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स एंड मेरिटोरियस हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स रू अबाउट लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम टीचर्स गोइंग टू ट्यूशन एंड रिलाइंग ऑन कोचिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मलाइज इज देर अ मिसमैच एंड इफ देर इज देन हाउ टू ब्रिज इट दिस इज द प्रॉब्लम विच वी आर ऑल्सो फेसिंग, राइट दैट टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जी मैम उनको वो स्पेशलाइज्ड अपने सब्जेक्ट्स में होते हैं, ट्रेन्ड ट्रू होते हैं, और वो सारा का सारा आपको कैटर कर सकते हैं 12th क्लास तक के लिए। तो ट्रू कोचिंग वाली चीज है वो 12th क्लास के बाद, आप पहले बिल्कुल बेसिक एजुकेशन को ले लें और उसके बाद करें। पर जो सिस्टम है वो इस तरीके जी का हो चुका है कि उस सिस्टम में ये पेरेंट्स ये समझते हैं कि हम बच्चे को बिल्कुल जैसे ही 12th क्लास से बाहर निकला हम उसे सेटल कर दें। बच्चों का जी पीयर प्रेशर होता है, अरे वो जा रहा है ये जा रहा है, हमें इस कंपटीशन को कम्पीट करना है, और फिर वो राइट टाइम नहीं दे पाते स्कूल के अंदर। राइट और स्कूल में अगर आप टाइम नहीं दोगे स्कूलिंग के लिए तो फिर आपको टीचर्स कैसे पढ़ाएगा। इफ यू आर गेटिंग एब्सेंट एवरी डे, यू आर अटेंडिंग योर कोचिंग क्लासेस एंड मिसिंग योर क्लासेस, एंड देन आप कहते हो कि टीचर पढ़ाता नहीं है। अच्छा, आप समय तो टीचर को पढ़ाने के लिए, देयर इज अ सिस्टम इन बिल्कुल स्कूलिंग दैट नीड्स द बेसिक फंडामेंटल नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर टिल क्लास 12। तो आप समय जी तो टीचर को कि वो आपको मेथोडिकली पढ़ा ले। जो ये बिल्कुल टीचिंग 12th क्लास तक की होती है, जो बेसिक एजुकेशन होती है, वो कोई क्रैश कोर्सेज नहीं होते प्रेरणा, राइट बिल्कुल मैम उनके लिए बिल्कुल समय देना पड़ता है ना। बच्चे को क्लास में स्कूल में आना पड़ेगा, बच्चे को क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, बच्चे को अपना होमवर्क करना पड़ेगा, बच्चे को रिविजन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल जब आप दो तावों पे सवार हो जाओगे तो फिर आपको लगेगा आप स्कूल में आओ तुरंत समझ लो, आप जब वहां जाओगे आप सोचोगे आप तुरंत समझ लो। तो बहुत से बच्चे हैं जो इनके बीच में फंस के रह जाते हैं और परफॉर्मेंसेस इफेक्टेड होते हैं, और फिर वो बात शुरू होती है कि टीचर्स हार्डवर्क के भाई, वो कहते हैं टीचर्स की बच्चे हार्डवर्किंग नहीं है बिकॉज बिकॉज वो हाँ होमवर्क नहीं करते, वो आपके क्लासेस में अटेंड नहीं कर पाते, वो आपको परफॉर्म करके नहीं दिखा पाते, और टीचर बच्चे ये कहते हैं कि टीचर्स जो है वो कमिटेड नहीं है। तो एक्चुअली इट्स अ बोथ आर रिस्पॉन्सिबल ऑन पेरेंट्स, राइट पेरेंट्स इसलिए कि बहुत समय दो ना बच्चे को 12th तक बेसिक फाउंडेशन कर लेने दो। एक साल बिल्कुल देखिए कोरोना ने ये समझ दिया, समझा दिया कि बिना किसी चीज के भी लाइफ चलती है और सर्वाइव करती है, कहीं ये बिल्कुल चीज नहीं मैम होती है कि बस हमें इतना ही में करके खत्म कर लेना है। तो बिल्कुल सर अपनी आशाएं अपनी चीजें भी छोड़ो, बच्चे को करने दो, उसको फ्री तरीके से 12th तक की पढ़ाई कर लेने दो। और ये कोचिंग बिल्कुल कोचिंग का जो है चल रहा है, आई एम रियली सरप्राइज कि आपके प्रोफेशनल कॉलेजेस की कोचिंग के लिए नाउ द स्टूडेंट्स आर कीन टू गेट इट फ्रॉम क्लास 8 और 9। मैं तो सोच ही नहीं सकती हूँ कि 8 और 9 में विदाउट गेटिंग बेसिक एजुकेशन बिल्कुल हाउ कैन यू गो फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ऑल बिल्कुल दीज कॉम्पिटिंग कोचिंग क्लासेस, इफ यू आर गोइंग टू द कोचिंग क्लासेस टू टू स्टडी द सिलेबस, then sorry you are not doing it is not required, and if you are going for the competition and for the coaching so wait, get the basic and the foundation till class 12th, and then give the 100% time. All राइट these coaching or competitions, they are only giving you the skills and the techniques, they are not giving you the basic fundamental knowledge we are getting till class 12th. बिल्कुल और बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगता है कि 12th क्लास का समय एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का होता है, बच्चे को हर चीज को समझना चाहिए, सारे को करिकुलर एक्टिविटीज,
अनफॉर्चुनेटली कोरोना में लास्ट ईयर वी हैव लॉस्ट द 2 इयर्स, बट इट विल कम, सब कुछ ठीक होगा, स्कूल में आपको आना है. तो ये दोनों ही चीजें जो है ना, ये एक्सेप्टेड नहीं है. पूरा कंसंट्रेटेड वे में तक की पढ़ाई बच्चे करें जो टीचर कह रहा है उसके तरीके से, और उसके बाद फिर कुछ उनके सामने पे और फिर आगे जाए. तो दोनों ही ठीक नहीं है और दोनों ही एक दूसरे को जो है वो जो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है. ट्रस्ट करें, टीचर्स बच्चों पे करें. इफ यू डिमांड फ्रॉम द स्टूडेंट दे विल गिव यू, इफ यू गिव द टाइम दे विल गिव यू, एंड द स्टूडेंट शुड रिलैक्स रिलैक्स टिल क्लास 12. पूरा समय स्कूल को, टीचर को, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास नॉलेज है, वो बेसिक ठीक करेगा तुम्हारी, बट टाइम तो दो, काम तो पूरा करो, रिवाइज तो करो, पढ़ो तो, क्लासेस तो अटेंड करो. सो आई थिंक इस सिनेरियो इसी तरीके का है, किसी को ब्लेम भी नहीं किया जा सकता. समय नहीं ऐसा हो गया है शायद, लेकिन इसको हमें बदलना पड़ेगा. बिल्कुल मैम, अगर हम सीनियर क्लासेस की बात करें तो मतलब जितना मैंने देखा है या सीनियर क्लासेस के बच्चों से जब बात करो तो मैंने सुना है कि वो ज्यादातर जो उनकी स्कूल अटेंडेंस है मैम वो बहुत ही कम रहती है, बिकॉज दे रिलाई मोर ऑन देयर कोचिंग. तो स्कूल जाना जो है उनके लिए शायद इतना इम्पोर्टेंट और इतना प्रायोरिटाइज नहीं होता है जितना कि कोचिंग जाना है. तो मैम इस तरीके का जो एक लैक ऑफ फेथ है स्कूल के ऊपर वो क्यों है मैम? अभी मैंने आपसे कहा कि लैक ऑफ फेथ इसलिए है कि somehow, जो जो सिस्टम बन गया है पिछले 10 मैं 25 साल से काम कर रही हूँ, और ये सडनली पिछले 10-12 सालों में सिस्टम ये बन गया कि स्कूल जो इंस्टीट्यूशन है उसको पूरी तवज्जो नहीं दी गई. वो एक इंस्टीट्यूशन है, आप पूरा उसको तवज्जो दीजिए. और जो 11 और जो कोचिंग क्लासेस है दे आर ट्रेनिंग यू फॉर समथिंग. They can't substitute this school. क्योंकि केवल पढ़ाई या सिलेबस पढ़ाई नहीं होती लाइफ के. बिल्कुल, एक होलिस्टिक आपको ह्यूमन बीइंग बनना है. आप बहुत अच्छी कोचिंग करने के बाद इतने इंजीनियर्स इतने कॉलेजेस निकाल देते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पेड देखिए ना क्या है. इंजीनियर इतने MBAs निकाल कर आप कोचिंग करने के बाद अपने स्कूल को अपने आप अपने को डेवलप नहीं करते, एज अ ह्यूमन बींग नहीं करते, अपने को स्किल्ड नहीं करते, और आप मार्क्स के लेकर कंपटीशन को कंप्लीट करके MBA ले बन जाते हैं, आप इंजीनियर्स बन जाते हैं, उसके बाद व्हाट आर यू गेटिंग? आप कुछ नहीं. हजारों लोग ऐसे ही गए हैं बिकॉज आपका स्किल डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, आपने नॉलेज तो कुछ देखी नहीं, आपको वो तो मिला ही नहीं, है ना. तो आप स्कूल के इंस्टीट्यूशन को के ऊपर फेथ रखिए, आपके पास कोई उसके अलावा ऑप्शन नहीं है. जो स्कूल के इंस्टीट्यूशन पर रखते हैं वो देखते हैं कि उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हायर एजुकेशन में उन्हें किस तरीके से बेनिफिट कर, आप कैसे बोलते हैं, आप ग्रुप डिस्कशन कैसे करते हैं, आप लोगों की फीलिंग को कैसे समझते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते हैं चीजों को, ये स्कूल सिखाते हैं. बिल्कुल, और आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा. बिल्कुल, उसके लिए समय देना पड़ेगा. हायर एजुकेशन में ये प्रॉब्लम आती है पर वहां पे स्कूल्स को भी डिमांड करना पड़ेगा. इफ यू डिमांड यू विल कैच. हम कोचिंग को 11th एंड 12th इट इज इम्पोर्टेंट टू अटेंड योर क्लास. नो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज अटेंडेंस से करना ही नहीं है. आपको स्कूल अटेंड करना है, उसके बाद ठीक है, आपको अगर समय लगता है, आपके पास एनर्जी रहती है तो आप जरूर करिए, बट बेटर टू वेट. कहते हैं ना सहज पाए तो मीठा होवे, सहजता से चलो. जो टाइम जिस चीज के लिए निर्धारित है उतना समय तो बिल्कुल, और उसके बाद रिजल्ट्स को लो. ठीक है, तो फिर ये बच्चों को भी समझना पड़ेगा, टीचर्स को डिमांड करनी पड़ेगी, और इंस्टीट्यूशंस को भी ये डिमांड करना पड़ेगा कि नहीं आपको स्कूल अटेंड करना है. नो कमेंट, कुछ नहीं, आपके पास 1 साल का समय है, आप करो ना करो कोचिंग, बेसिक कॉम्पिटिशन तो ले. बिल्कुल मैम, हाउ कैन वी मेक एजुकेशन मोर वोकेशनल एंड जॉब ओरिएंटेड? ओके, फर्स्ट थिंग, एजुकेशन शुड नॉट बी एम्ड एज अ जॉब प्रोटेक्शन. आप अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा, राइट? हाँ, उस समय की डिमांड होती है, हमें अपने सिलेबस को उस तरीके से चेंज करना होता है जी, और वो करा भी जाता है. बहुत से ऐसे नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं पिछले 3-4 सालों में जो कि आज के समय की डिमांड को करते हैं. लाइक लीगल स्टडीज है, मैं केवल अगर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करूं, एंटरप्रेन्योरशिप है, आपके स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा रहा है, तो हम सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं. तो ये सब्जेक्ट्स 11th एंड 12th के लेवल के ऊपर इंट्रोड्यूस हुए हैं, और जो नई एजुकेशन पॉलिसी
पाई है वो तो आपको शुरुआत से ही इनको इंट्रोड्यूस कर दे, तो इट्स अ गुड वे. आपको उसको इस स्कूल्स को इम्प्लीमेंट करना है और आपको उसके ऊपर काम करना है. और क्यों डिग्रीज को लेकर केवल चले, वो वोकेशनल चीजें, कि आप अपनी लाइवलीहुड को नहीं होता है. आप अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो आपके अंदर कुछ तो टैलेंट है, कुछ तो हुनर है, उसको टीचर से मानिए. तो आपको सेकेंडरी लेवल पर वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसको तवज्जो देनी पड़ेगी, उसको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी. और मार्क्स ओरिएंटेड होके नहीं चलना पड़ेगा, स्किल ओरिएंटेड होके चलना. तो दिस इज द ओनली वे जिससे कि हम वोकेशनल उसको, एंड इट इज इट हैज स्टार्टेड ऑलरेडी. आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी इस बात को बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाली है और बहुत ड्रास्टिक आने वाला है सेकेंडरी एजुकेशन में और आएगा. राइट मैम, द टीचिंग कम्युनिटी नाउडेज पुट लॉट ऑफ ओनर्स ऑन पेरेंट्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स. हाउ फार इज दिस ट्रू? इट इज ट्रू एंड इट इज नॉट फेयर, बिकॉज बच्चा आपके पास आया है जी, आप टीचर हैं, आपने इस प्रोफेशन को चुना है, ठीक है, और नहीं भी चुना है, आपको चुनना पड़ गया है, तो यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू परफॉर्म एंड यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर अकाउंटेबल ऑफ दैट. लाइक आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को आपकी बीमारी ठीक करनी होती है, तो वो पूरी अकाउंटेबिलिटी अपनी लेता है ना, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, तो आपको भी लेनी पड़ेगी. आप जिस प्रोफेशन में, आपको लेनी पड़ेगी. हाँ, ये एक कहते हैं ना, सांझी जो है जिम्मेदारी होती है कि पेरेंट्स का और टीचर्स को मिलकर उस बच्चे को क्या करना है, उसको एक हैप्पी लाइफ के लिए, एक फ्रूटफुल लाइफ के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए तैयार करना है. तो डेफिनेटली, पर आप पेरेंट्स के ऊपर अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते हो. 6 से 7 साल, 6 से 7 साल का पेरेंट बच्चा आपके पास है, तो पेरेंट को आपको अश्योर करना पड़ेगा कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ द ऑफ चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड एजुकेशन एंड यू आर यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर बच्चा आपको होमवर्क नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? या तो उसका होमवर्क आपने इतना चैलेंजिंग नहीं दिया है कि वो करना नहीं चाहता है, और या परसों नहीं कर रहा. और पेरेंट बैठ के अगर होमवर्क करा भी दे रहा है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग? वो बैठ जाएगा, मम्मी डंडा लेकर खड़ी हुई है, उसने कर दिया काम, बट ही इज नॉट एजुकेटेड इन दैट वे. उसको कुछ नहीं मिला उस होमवर्क से. आप अपने होमवर्क को चैलेंजिंग बनाओ, इंटरेस्टिंग बनाओ, समय के अनुसार बनाओ और डिमांड करो. तो पेरेंट्स, मुझे लगता है कि टीचर्स को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और पेरेंट्स के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए. मैम, children of less educated and in some cases poorly educated parents, especially those with limited means, will be left behind despite being meritorious and intelligent. Do you think the teachers are shirking from duty and responsibility? I think this is very very important to know, because kai baar bahut se aise parivar hote hain jisme, you know, I think students jo zyada chahta hai support, wo apne school aur teachers se zyada dekhta hai. तो मैं चाहूंगी मैम इसमें थोड़ा सा आप हमें बताएं. एक्चुअली प्रेरणा, आई थिंक कि नॉट ओनली द टीचर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटायर सिस्टम. जी, अगर एंशियंट समय की बात करो तो एक्लव और धनंजय की कहानी. जी हाँ, वो था अंडर प्रिविलेज था, पर उसके अंदर टैलेंट था. आज भी बहुत से एक्लव हैं जो द्रोणाचार्य की तलाश में हैं, तो हमें द्रोणाचार्य तो बनना. टीचर को द्रोणाचार्य नहीं पता, ऐसा द्रोणाचार्य बनेगा बनना पड़ेगा कि वो अंगूठा न ले दक्षिणा में, बल्कि उसको अर्जुन के जैसा पारंगत बना. केवल इसलिए नहीं कि वो उसके पास पैसा नहीं है या उसके उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है. टैलेंट को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और सिस्टम को भी, हम सबको सोसाइटी में समझना पड़ेगा कि जो डिप्राइव्ड है, जो पुअर है, तो जिनके यहाँ एजुकेशन नहीं है, जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, वो उनको भी हमें अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी. उनको, उनके लिए हमें इक्वालिटी की बात करनी पड़ेगी. उनको हमें इक्वल मानना पड़ेगा. ये नहीं कि जो बच्चा एक अमीर खानदान में पैदा हुआ है, हाँ वो बेटर परफॉर्मर होगा. क्यों बेटर परफॉर्मर? बट इज अ, क्योंकि उसके पास पीढ़ियों का अनुभव है, उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, उसको अपॉर्चुनिटीज दी हुई है, उसके पास एक वांशिक अनुवांशिक परंपरा है, मोर रिफाइनेस की, ज्यादा अच्छे से बोलने की, ज्यादा से अच्छे परफॉर्म
देखी, पर समझ उसके अंदर उतनी ही अच्छी और गहन है, ऐसी बात नहीं। समझ एक ऐसे बच्चों में भी बहुत ज्यादा हो सकती है जिसके बच्चे, जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं, वो बिल्कुल उससे मैम, ज्यादा भी स्किलफुल हो सकता है जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है और उससे अपॉर्चुनिटी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स को ट्रिबलिंग करना चाहिए और सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्चुअली एक दया वाली भाव से कभी भी हमें नहीं देखना चाहिए ऐसे बच्चों को जिनको कि जो परफॉर्मर इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि या तो वो गरीब घर से आए हैं या उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि हम इक्वल उनके टैलेंट को निखारने की कोशिश करें, उनको मगर मौका मिला है तो उन्हें दें और उनको समता से देखें, समभाव से देखें। तो मैंने तो अपने अपने फाउंडेशन में देखा है कि जो अपॉर्चुनिटीज अगर दी गई हैं, तो अगर स्टडी हॉल का बच्चा मिरांडा हाउस में पढ़ रहा है तो और जा रहा है और वो किसी भी से आया हुआ है, क्योंकि वी इंडिकेट द चिल्ड्रन फ्रॉम अंडर प्रिविलेज, दे आर गेटिंग। और अगर जो हमारे बच्चे अंडर प्रिविलेज बच्चियां हैं वो भी उन्हीं यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं और वो भी उन्हीं जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पे हमारे बहुत कुछ बच्चे जा रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि आपने बच्चे को कैसे ग्रूम किया, कितनी अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर टीचर्स को क्रिबिंग की कोई बात नहीं होती है जी। समझो इतिहास, समझो समय को, और इस बात को भी समझो कि बिना सबको साथ लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल 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 मैम, इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जापान, यूएसए, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, यूके, इवन कोरिया, टीचर्स हैव अ स्पेशल स्टेटस इन द सोसाइटी एंड नेशन, अकॉर्ड्स द हाईएस्ट रिस्पेक्ट। It's not so in India, unlike ancient times when Guru was, you know, likened to God. Why so? Why is this decline? So, दो पार्ट पे इसका जवाब देना चाहूंगी प्रेरणा। पहला कि जिन कंट्रीज के नाम आपने लिए, स्वीडन, डेनमार्क, इवन जर्मनी एंड कोरिया, तो इनमें अगर आप देखें बिल्कुल इसको स्टैटिस्टिकल वैल्यू पर देखें तो इनकी जो जीडीपी है 7% 6% आप एजुकेशन पे खर्चा करते हैं। जब आप किसी भी सेक्टर के ऊपर खर्चा करते हैं तो डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट दिखाई देता है किसी भी सेक्टर पे। एजुकेशन पे ये कंट्रीज बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, और हम अगर अपना देखें तो हाँ हमारा बजट बढ़ाया गया है एजुकेशन के लिए, लेकिन अभी भी हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से वो पूरा नहीं पड़ा है। अगर आप उस पर ज्यादा इन्वेस्ट करोगे जो कि करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज द ओनली थिंग विच कैन टेक यू टू द डेवलपमेंट, बिकॉज इतने बड़े कंट्रीज के लिए चुनिंदा लोगों को डेवलप करके आप कंट्री का डेवलपमेंट नहीं कर सकते जब तक कि हर स्किलफुल नहीं होगा, हर हर एक दिमाग अवेयर नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो उसको मुझे कारण ये लगता है, जब आप देखिए जब आप पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, कितना भी ये कह रहे हैं आपकी एजुकेशन का मिशन एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, है होना चाहिए, लेकिन आपको आपको रिसोर्सेज तो डेवलप करने पड़ेंगे ना, आपको हर उस गांव के बच्चे तक, उस छोटे बच्चे तक पहुंचना पड़ेगा जो पढ़ना चाहता है, तो वहां पे तो इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर आप अपने बजट को बढ़ाओगे तो आपको आपके आपके बच्चे भी बढ़ेंगे, वो पढ़ना चाहेंगे, जब बच्चे पढ़ना चाहेंगे क्वालिटी एजुकेशन दोगे तो डिमांड पड़ेगी, टीचर्स भी वैसे ही आएंगे, टीचर्स भी आपको स्किलफुल मिलेंगे, उनको अच्छा पेमेंट होगा, उनका स्टेटस होगा, स्टेटस चाहिए, ड्रीम जॉब बनाओ ना टीचिंग को, टीचिंग को ड्रीम जॉब बनाना चाहिए, मुझे तो लगता है प्रायोरिटी पे बनाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीजें आपको और सेक्टर्स ले जा रही है, टीचर्स आर मेकिंग द प्रोफेशनल, दे आर मेकिंग द प्रोफेशनल, तो ड्रीम जॉब बनाए ना हम, तो माइंडसेट भी बदलना होगा। बिल्कुल, अब क्यों डिक्लाइन, उसका जवाब मैं देना चाहूंगी कि एंशियंट समय से अभी क्यों डिक्लाइन हुआ। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि एक तो इसके बारे में सोचा कम गया, क्योंकि एज अ डेवलपिंग कंट्री हमें लगा कि हम इंडस्ट्री को डेवलप कर लें, हम रिसोर्सेज वहां पे डालें जो जरूरत थी, जो जरूरत थी। मेन डिक्लाइन हुआ वो 200 सालों के गुलामी, वो 216 सालों के गुलामी और वो एजुकेशन सिस्टम जो अंग्रेजों ने हम पर थोपा। मुझे लगता है उस सिस्टम ने हमें दिमाग से सोचने के लिए छोड़ दिया,
हम केवल क्या कर गए करने लगे कि हमें टारगेट मिलने लगा और एजुकेशन ऐसी डेवलप की गई कि आपको ये काम करना है, सोचना नहीं। एकदम वो ऐसा चाहते थे। कोई भी गुलामी क्यों गड़बड़ होती है? क्योंकि वो आपको आपके दिमाग को बंधन बनाती है। तो वो जो सिस्टम, मुझे याद आ रहा है मैंने कहीं पढ़ा था कि जब प्राइमरी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया इन अ फॉर्मल वे इंडिया में, तो जो हमारे प्राइमरी टीचर्स की जो तनख्वाह हुआ करती थी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, वो हमारे समय के प्यून्स होते थे उनसे भी कम। दिस इज द, तो मुझे लग रहा है वो 200 साल की गुलामी ने काफी जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया और स्वतंत्रता के बाद हमने काम किया और अब हम बहुत काम कर रहे हैं। अब हम इंडिपेंडेंट माइंड को डेवलप करेंगे और हम ये जो छोटे छोटे बंधनों में बटा हुआ है ना, उसको हम हटाएंगे। और इसीलिए जब आप इम्पोर्टेंस दोगे, जब आप सम्मान करोगे, तो इंडिया का जो ट्रेडिशन है वो गुरु देवो महेश्वरा का ही है, गुरु शिष्य परंपरा का ही है, वो खत्म नहीं होगा। और अभी भी मुझे लगता है कि अगर टीचर एक आइडियल अपने को बनाकर रखता है तो बच्चे उसे जिंदगी भर याद करते हैं। कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है, हम अपने टीचर को आज तक याद करते हैं, कहीं मिल जाते हैं हमें नहीं याद रहता उन्हें। बिल्कुल मैम, हाँ बिल्कुल। तो ये डिक्लाइन जो हुआ इसके लिए बहुत सी आउटर चीजें भी थी और नाउ मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट, जस्ट एन अवेयरनेस कि ऐसा होना चाहिए और ये होगा और नई एजुकेशन मुझे लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हर उस चीज को एड्रेस कर रही है जिसे जिसको कि अभी तक एड्रेस कर लेना चाहिए था। हालांकि इस कोरोना टाइम ने उसे उसको थोड़ा बैक किया है, पर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, वहां को उसको वो बहुत साउंड दे रही है, फुटेज दे रही है। उसके बाद जैसा आपने बोला था ना कि कैसे आप वोकेशनल ट्रेन चीजों को लाएं और कैसे ये मार्क को खत्म करें, जॉब ओरिएंटेड बनाएं। और जॉब का मतलब ये नहीं है कि आप पहले हाई डिग्री तक पहुंच जाए और फिर जॉब करें, आप साथ साथ भी कर सकते हो। आपको अपने को पहचानना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस जॉब में जाना चाहते हो। और जैसा कि बाहर की कंट्रीज ने बहुत पहले कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ वोकेशनल जो एजुकेशन है, मैं बहुत से मेरा फाउंडेशन मुझे बाहर लेकर गया है, मैंने सिंगापुर की एजुकेशन को और इन लोगों को भी दिया, हम लोग इंटरेक्शन पे चले हैं। तो वहां पर डिफरेंट तरीके से बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाता है, उसकी स्किल्स देखी जाती है। ये नहीं कि आपने पहले आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ले लीजिए फिर आप सोचिए कि आपको क्या जॉब करना है और फिर आप मारे मारे पीछे। तो ये आपको एक सेल्फ का डेवलपमेंट करने के लिए, आपकी स्किल्स का डेवलपमेंट करने के लिए और एक बहुत ही अच्छे मेथोडिकल तरीके से जो डिमांड थी एजुकेशन सेक्टर की, वो ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इसको करेगी। सवाल इसका ये है, केवल ये है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम सबको कमर कस तैयार रहना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को एंड पेरेंट्स को। मैम बिफोर वी कॉन्क्लूड, आपका मैसेज सारे ही मतलब टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी एंड एवरीबॉडी इन जनरल? बस एक मैसेज है जो मैं बहुत शिद्दत से महसूस करती हूँ कि किताबों में बांध के शिक्षा को मत चल। शिक्षा कहीं से भी मिलती है, तुम्हें कैपेबल बनना है कि तुम कहीं से भी उसे ले सको। बिल्कुल। आप कौन हो, आप क्या चाहते हो और आप कैसे लोगों से कनेक्ट हो, शिक्षा वो माध्यम है जो आपको ये सिखाती है, वो सिलेबस में नहीं बांधती है। बिल्कुल। और वो प्रोफेशन में भी नहीं बांधती है। तो एक सबको अपना काम जो जहां पर है, जिस जगह पर है, जिस पोजीशन पर है, अगर स्टूडेंट है तो कमिटेड, आपसे कमिटमेंट आपसे भी चाहिए। अगर टीचर है तो कमिटमेंट आपसे भी चाहिए, लार्जर प्रोस्पेक्ट देखने की बात। और इससे इससे अगर हम लोग चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्रिप करेगा। और सम्मान देना, तो इंडिविजुअल सम्मान देना तो बहुत ही जरूरी होता है हर एक व्यक्ति को, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। और साथ ही साथ बेसिक नीड्स भी पूरी होनी चाहिए, एक बैलेंस कंप्लीट होना चाहिए। और शिक्षा को अंकों से और इससे मत बांध,
उसको ये भी मान बांधो कि जॉब बस उतना ही हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, जॉब के बाद भी एजुकेशन अनबन चलती रहती है, नहीं तो आप इससे आगे नहीं हो जाओगे। तो आपके अंदर वो स्किल डेवलप होनी चाहिए आपकी शिक्षा से, आपके एजुकेशन से, जो कि आपको जीवन पर्यंत आपको हेल्प करे और आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप करे कि आप सीखना कभी ना छोड़, आप बिल्कुल हमेशा अपने आप को लेते जाते। बिल्कुल बिल्कुल तो थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम फॉर कमिंग लाइव विद अस एंड यू नो शेयरिंग योर पॉइंट्स ऑन मतलब जो हमारा आज का टॉपिक था, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसपे मुझे लगता है कि सभी लोग जो हमें देख रहे हैं अभी और बाद में जब ये वीडियो देखेंगे तो दे विल गेट अ डिफरेंट आउटलुक ऑल टुगेदर। सो इट वॉज रियली थैंक नाइस यू टू प्रेरणा, बिल्कुल मैम ये थैंक मैं यू सबका बहुत धन्यवाद देती हूँ। एंड थैंक यू बिल्कुल वेरी बिल्कुल मच प्रेरणा थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। थैंक बिल्कुल यू। या थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग अस लाइव एंड देर वॉज सम टेक्निकल ग्लिच टूडे इन आवर सेशन बट जो भी था आज का सेशन आई मीन आई एम वेरी श्योर दैट सबके लिए काफी फ्रूटफुल था और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू मैम। थैंक यू।